हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। व्यापार संबंधी समस्या है, धन संबंधी समस्या है। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी शनि की 7.5 उन पर चढ़ी रहती है, इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और जीवन में शादी विवाह की समस्या भी है, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है। तो दोस्तों, कुछ मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी जो भी घर की समस्या हो, कलह हो, सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी 100%। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही। तो चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि होली की राख, होलिका दहन की जो राख होती है, वो कितनी यूजफुल होती है, शुभ होती है या अशुभ होती है। तो दोस्तों, होली की राख जो है शुभ होती है, क्योंकि ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में प्रवेश करती है या नज़र दोष होता है, उसे दूर करती है और माता लक्ष्मी को भी हमारे घर में बांधे रखने में हमारा सहयोग करती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होली की राख शुभ कैसे होती है और इसका उपयोग करके हम अपने घर में कैसे खुशहाली ला सकते हैं और घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं और घर में बरकत ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए, मैं पहला उपाय बता ही देती हूँ। दोस्तों, पहला उपाय मैं बताऊँगी कि पैसा आता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। लोगों को दिखता है कि हम इनकम कर रहे हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं होती, पैसे की कमी किल्लत हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा होता है तो होलिका दहन की राख में रोली मिलाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के तिजोरी में रख लें। इससे क्या होगा, सालों भर 100% गारंटी आपके घर में पैसा टिकेगा, माता लक्ष्मी का वास रहेगा और कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होगी, घर में बरकत होगी। तो ये उपाय आप ज़रूर अजमाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये उपाय बताया गया है और बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, प्राचीन उपाय है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों, या उपाय कहूँ कि शनि की 7.5, जिस भी इंसान पे ये होती है, शनिदेव क्रोधित होते हैं, तो अगर होली की राख को एक लोटा जल में, चुटकी भर होली की राख अगर एक लोटा जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, भोले बाबा पर अर्पित कर दें, तो आपके ऊपर जो शनि दोष है या शनिदेव बहुत क्रोधित हैं, 7.5 चढ़ी हुई है, तो वो जो है शनिदेव का जो क्रोध है वो शांत हो जाता है और आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है, जो भी आप मेहनत करते हैं उसका आपको फल मिलने लगता है। तो ये कार्य आप अवश्य करें। तीसरा होली की राख का नियम है दोस्तों, या उपाय है, प्राचीन समय से ही ये होता चला आ रहा है कि जो लोग बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो होली की राख एक पुड़िया में डालकर बनाकर 7 दिन तक लगातार अगर तकिए के नीचे रखते हैं तो उससे उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। आप चाहें तो इसे तिलक भी अपने ललाट पे लगा सकते हैं, ऐसे भी आप उपयोग में होली की राख को ला सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभकारी होता है। तो चौथी बात या चौथा उपाय कहूँ तो मैं, अनबन कलह घर में होते हैं, जैसे पिता पुत्र में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, बहुत सारे रिश्ते में आजकल कलह अनबन देखने को मिलती है, भाई भाई में नहीं बनती है। तो अगर आप होली की राख को अपने घर लेकर आते हैं और घर के चारों कोने में छींट देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, मतलब वास माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वो घर से बाहर हो जाती है। तो ये कार्य भी आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए, कलह से बचाने के लिए ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आजकल व्यापार में लोग
बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसी बुरी नज़र लग जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमारा व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत है, लॉस में जा रहे हैं, तो आपको बस एक काम करना है, होली की राख अपने घर में लेकर आएँ। बहुत ही शुभ माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। दुकानों में भी अगर आप लाल रंग के कपड़े में राख बांध कर रख देते हैं दुकान के मुख्य द्वार पर, तो उससे भी व्यापार का जो नज़र दोष है या किसी भी तरह का आपका ऐसा लगता है तो आपका मतलब नज़र दुकान से जो भी बुरी शक्ति है, नकारात्मक जादू टोना भी कह सकते हैं आप, जो भी है वो सारी चीज़ें जो है नकारात्मक शक्ति जो है वो आपकी दुकान से शॉप से दूर रहेंगी और आपके घर में ईश्वर का वास बना रहेगा, दुकान में भी वास बना रहेगा और आपके जीवन में खुशहाली लौट आएगी, बरकत भी होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी और बहुत ही यूजफुल रहेगी। सालों भर अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके घर में सालों भर बरकत देखने को मिलेगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलती है, मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।